भी को राम राम भाई। कुछ कैंडिडेट ये सोचते हैं कि मैं किसी को फेवर कर रहा हूँ भाई, एक पार्टी को किसी को, लेकिन एक्चुअल मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सरकार के डिसीजन और कोर्ट के डिसीजन पर बात करता हूँ, और उनमें जो भिन्नता है और जो खाम खा की बात पैदा करते हैं, ऑर्डर कुछ आ है एप्लीकेबल कर दे हैं या उसको आगे पीछे की डेट से कर दे, मैं सिर्फ उन पर बात करूँ हूँ। कैंडिडेट तो देखो भाई, हम सब बराबर हैं, सब नौकरी चाहवा हैं, सब आपस में भाई हैं, किसी ने कोई किसी तो वो मतलब नहीं, सब अपने बालक पालना चाहो हैं, किसी भी तरह से नौकरी चाहो, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, कोशिश अपनी सब कर रहे हैं भाई, शाम दाम दंड भेद जिस पर जिस पगो उसी कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ सिस्टम की बात करूँ। आज अपने उदाहरण दे के एक केस बताऊँगा, यो आप खुद भी देखिए हो, 24595 दीपक शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये इसमें एडवोकेट थे भाई। अब इसमें देखो, मांग के थी हुई भी पूरी ना भी हुई, दोनों बातें होगी। द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेंड डिग्री इक्विवेलेंट टू एमए इन संस्कृत फ्रॉम सम ऑफ द रियोंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि प्रसिद्ध जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल स्टेचर, नेशनल लेवल के जो प्रसिद्ध जो है ना इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से इन्होंने आचार्य की डिग्री ली जो कि एमए संस्कृत के इक्वल मानी जाती है। वेयर एजुकेशन इज इम्पार्ट एक्सक्लूसिवली जहाँ पर केवल संस्कृत में स्पेशल संस्कृत ही पढ़ाई जाती है, हैव बीन आउटस्टेड फ्रॉम दी बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा फ्रॉम द जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज संस्कृत टीचर। कोर्ट ये कहता है भाई, जहाँ पर केवल संस्कृत स्पेशल संस्कृत में ही पढ़ाई की जाती है, वो आचार्य डिग्री और स्टेट ने संस्कृत टीचर लगने की उस तो बाहर कर दिए, कंसिडर ही नहीं किए वो, यू कैसे हो सके है। बाई वर्चू ऑफ द रूल्स इनेक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर प्रोविजन टू आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस हैज बीन डन अपेरेंटली एट द इंस्टेंट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम द लोकल स्टेट यूनिवर्सिटीज। उन्होंने कहा कि इनके साथ तो होया हुआ, लेकिन जाहिर तौर पर स्टेट यूनिवर्सिटी यानी जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसके कैंडिडेट के साथ भी यही व्यवहार कर दिया गया, क्योंकि वो तो लोकल स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके साथ किसी प्रकार की है। कोर्ट कह रही है, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिकनसाइल एज ऑफ नाउ एज टू हाउ द कैंडिडेट हु हैव डन आचार्य विच इज इक्विवेलेंट टू मे फ्रॉम इंस्टीट्यूशन लाइक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ एटसेट्रा। भाई इसका समाधान कोर्ट कह रहा है, इसका समाधान क्यों करो, अकबर जो इतने बढ़िया इंस्टीट्यूशन है जो नाम लिए हैं, और इनके बच्चों को इनके कैंडिडेट को आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और कैसे हो सका है भाई। अगर उनकी डिग्री फ्रॉड हो, ड्यूबियस मैनर यानी संदिग्ध अवस्था में हो, या किसी और तरीके से हो, तो वो तो अलग बात है, लेकिन कैन बी रेंडर इनएलिजिबल, भाई इन संस्थाओं के बच्चों को आप नॉट एलिजिबल कैसे कह सको हो, ये कोर्ट कह रहा है भाई। फॉर अपॉइंटमेंट एज संस्कृत टीचर, संस्कृत टीचर लगने के लिए, संस्कृत टीचर की ज्वाइनिंग के लिए कैसे नहीं लगा सकते आप इनको, कोर्ट कह रहा है भाई सरकार को। वेदर दी अथॉरिटीज वाइल्ड डूइंग सो, जब ये जो संस्थान है जो HSSC या DSC ने किया, वाइल्ड डूइंग सो हैव सर्वड दी कोज ऑफ संस्कृत और हारंड इट इज सर्किटिस मैनर, क्या आपके इस काम से जो संस्कृत है उसको आरम्भ नहीं होया है, यानी जो संस्कृत पढ़ते हैं या जो संस्कृत को बढ़ावा दे रही हैं, क्या उनका नुकसान नहीं किया है आपने इस प्रकार की या बात करके। इज एन इशू विच मस्ट ड्रा दी स्टेट्स अटेंशन एट द अर्लेस्ट, बस सबसे पहले यो एक इशू है जिस पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहेंगे, ठीक है भाई। वी दस्ट, अब आगे कोर्ट कहती है, वी दस्ट सजेस्ट टू कंस्टिट्यूट एन एक्सपर्ट कमेटी, इसलिए हम ये आपको ये सलाह देते हैं कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करो, कंप्राइजिंग जिसमें शामिल हो रियोन्ड संस्कृत स्कॉलर, जिसमें प्रसिद्ध जो है ना संस्कृत स्कॉलर को शामिल करो, अदर देन प्रोफेसर, जो कि प्रोफेसर ना भी हो और हेड्स ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट ना भी हो, ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटी, भाई स्टेट यूनिवर्सिटी के बेसिक ना हो, एज दे कैन बी द बेस्ट इम्पार्ट आर्बिटर, यानी वो निष्पक्ष मध्यस्था ऐसा ही आदमी कर सकता है, टू कंपेयर दी करिकुलम, जो पाठ्यक्रम है उसकी तुलना करके, एंड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड और डिग्री, और जो दोनों डिग्री हैं एमए संस्कृत और आचार्य को जो कि डिटरमाइन कर सके, उनका निश्चय कर सके भी दोनों बराबर है नहीं एक दूसरे से, सारी बात में लेवल ऑफ संस्कृत एजुकेशन इन स्टेट यूनिवर्सिटी, ये ऑर्डर किया भाई
क्वार्टर। द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज डायरेक्टेड टू टेक अप द मैटर विद द मिनिस्ट्री। इन्होंने कहा भी अपने मिनिस्ट्री के साथ इस मैटर को रखो, भी उसके साथ रखो या अदर हायर अथॉरिटीज इन द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ बिजनेस अप्राइज दिस कोर्ट अबाउट द डिसीजन। भाई ये सारी जो बातें हमने कही ये अपनी हायर अथॉरिटी के सामने रखो और जो भी डिसीजन आप लेते हो उसके बारे में कोर्ट को अप्राइज करो, सूचना दो। इफ एंड टेकन इन दिस रिगार्ड, अगर कोई लिया जाता है तो ना तो फिर हम निर्णय देंगे, ये कोर्ट ने कह दिया। द टीम ऑफ एक्सपर्ट इफ कंस्टिट्यूटेड वुड कीप इन व्यू, जो एक्सपर्ट की टीम गठित की जाएगी उसको ये ध्यान में रखना है द फैक्ट, ये फैक्ट दैट एनसीटी हैज रिकमेंडेड द क्वालिफिकेशन ऑफ एमए। एनसीटी ने एमए की क्वालिफिकेशन जो है ना उस सब्जेक्ट में वो रिकमेंड की है। ऑल्सो एज इक्विवेलेंट देयर फॉर, उसमें साथ में इक्विवेलेंट भी लिखा है देयर टू एज वैलिड क्वालिफिकेशन पोस्ट अगेन फॉर फर्दर कंसिडरेशन ऑन 31/8/2016। विकोर्ट ने कह दिया जो कमेटी गठित करो वो ये ध्यान रखे भाई एनसीटी ने तो ये कहा कि मेन संस्कृत और इसके इक्विवेलेंट कोई भी हो उसके उसको ध्यान में रखते हुए आपने ये निर्णय लेना है कि भाई ये क्यों नहीं माना जा सकता इनको। तो सरकार को कह दिया कमेटी का गठन करो 5/8/16 को, उसके बाद सरकार इसको केस में क्या जवाब देती है वो देख लेते हैं जी। सरकार ने 2-3 तारीख लेकर और इसमें जो है ना ये 11/9/17 को जवाब दिया, देखो क्या जवाब देते हैं और क्या विवाद है। डबल बेंच है, द सब्सटेंटिव प्रेयर मेड इन द पटिशन, जो पटिशन थी या 24 या दीपक कुमार वाली इसमें जो भी प्रेयर थी स्टैंड आंसर्ड बाय दी स्टेट, भाई स्टेट ने उसका आंसर दिया है बाय एक्सेप्टिंग, उसको स्वीकार कर लिया है एज इक्विवेलेंट टू द क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स टू एनेबल द रिट पिटिशनर टू बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब उन्होंने कह दिया कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है इक्विवेलेंट के रूप में ये क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रूल, रूल के अंदर स्वीकार कर लिया है टू एनेबल, ताकि जो रिट पिटिशनर है उनको ये बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट का दिया जा सके। और वो के क्या ग्रुप भी ये ब्रैकेट में दे रखा है एमए संस्कृत उसके साथ ओब्लिक में आचार्य लिख दिया तो इक्विवेलेंट हो गया। बीएड के ओब्लिक शिक्षा शास्त्री ओब्लिक लैंग्वेज टीचर एलटीसी और ओटी ग्रुप बी शास्त्री एंड शिक्षा शास्त्री लैंग्वेज टीचर कोर्स एलटीसी ओरिएंटल ट्रेनिंग ओटी, ये सारे आपस में इक्विवेलेंट मान लिए भाई। और यो 23/6/2017 का नोटिफिकेशन था उसके आधार पर जवाब दिया इन्होंने कोर्ट में सरकार ने कि भाई हमने इनका दावा जो है ना स्वीकार कर लिया और हम इनका कंसीडर करते हैं, पटिशनर को बेनिफिट देते हैं एम्प्लॉयमेंट का और हम इनको इक्वल मानते हैं, ये मानने इन्होंने भाई 11/9/17 ने। और इसके आधार पर इन व्यू ऑफ द अबव द पटिशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ, क्योंकि डिस्पोज ऑफ क्यों करी कोर्ट ने, क्योंकि जब जो मांग करी वह सरकार ने मांग ली बेनिफिट देने की आ कर ली तो अब केस का तुक नहीं बनता के। अब बात यहाँ पर है जब वहाँ पर सरकार ने ये लिख के दे दिया कि हम इनको इक्वल मानते हैं तो अब ये केस संस्कृत पर किस लिए हैं आप खुद बता दो क्यों हो रहे हैं। जब वहाँ ये मान लिया लेकिन उसके बाद ये फिर जाकर कोर्ट पर दे केस उड़ जा रहे हैं लोगों ने, पर इनको मानना है तो क्लियर मानना ना तो वो क्यों नोटिफिकेशन लिया थे 17 वाला, तुम उसकी भी टाड़ कर दो भाई, तुम शुरू तक कह दो हम तो एमए संस्कृत मानेंगे। और दूसरी बात एनसीटी का जवाब भी दिखाऊंगा मैं अगली वीडियो, एनसीटी इन इक्विवेलेंट भी बोला है और ना बोला तो वो दिखा भी दूंगा। लेकिन मैं कहना ये चाहूँ भाई सिस्टम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, केस करते हैं वहाँ जवाब कुछ देते हैं उसके आने के बाद कुछ करते हैं। यहाँ पे ये नहीं कहा इन्होंने प्रोस्पेक्टिव लागू करेंगे या रेट्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे कह दिया हम इनको बेनिफिट देने को तैयार हैं और इनका दावा एक्सेप्ट करते हैं ठीक है, और ये डिस्पोज ऑफ हो गया। या हम ना कर देते या कह देते हम इनको प्रोस्पेक्टिव देंगे तो उसका ये कोर्ट कुछ डिसीजन लेती, लेकिन यहाँ तो कह दिया कि हम इनको लाभ देने को तैयार हैं और हमने इनका दावा स्वीकार कर लिया। तो भी मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँ आप खुद महसूस कर लो भाई कोर्ट केस कौन करवा रहा है और किसका नुकसान हो रहा है, आप खुद देख लो अब।